नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र कल तक के लिए हुआ स्थगित। पटना से फ्लाइट लेने वाले जान ले यह नया विंटर शेड्यूल। शिक्षक नियोजन प्रक्रिया को लेकर सरकार ने दिया बड़ा बयान। सूबे के इन जिलों में घाटों की नीलामी प्रक्रिया हुई पूरी। विदेश में नौकरी देने के नाम पर 2 दर्जन लोगों के रुपए लेकर भागी कंपनी। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र कल तक के लिए हुआ स्थगित। बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र की शुरुआत आज से हो गई है। हालांकि आज राष्ट्रगान के साथ शुरुआत होने के साथ ही सदन में महत्वपूर्ण विधेयकों को भी पेश किया गया है, जिसके बाद सत्र की कार्यवाही को 11 बजे मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस दौरान बिहार विधानसभा में सामान्य प्रशासन विभाग के प्रभारी मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक सदन में पेश किया, तो वहीं उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने द्वितीय व्यय विवरण को उपस्थापित किया। इसके बाद सदन में शोक प्रकाश हुआ। अध्यक्ष विजय सिन्हा ने वर्तमान सदन के सदस्य रहे मुसाफिर पासवान के निधन पर शोक जताया, तो वहीं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सदानंद सिंह समेत अन्य नेताओं के निधन पर शोक जताया गया और 1 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी गई। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस बार का यह सत्र ज्यादा लंबा नहीं होने वाला है। आज से शुरू हुआ यह सत्र 2 दिसंबर तक जारी रहेगा। पटना से फ्लाइट लेने वाले जान ले या नया विंटर शेड्यूल। अगर आप भी पटना एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़कर हवाई यात्रा करते हैं तो इससे पहले आपको यह नया शेड्यूल जानना जरूरी है, क्योंकि ठंड को देखते हुए पटना एयरपोर्ट ने उड़ानों के समय में बदलाव करते हुए नया शेड्यूल जारी कर दिया है। इसके तहत दिसंबर महीने में 58 की जगह 48 जोड़ी फ्लाइट ही उड़ेंगे। यह नया शेड्यूल 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक जारी रहने वाला है। साथ ही देर रात के वक्त उड़ानों को बंद कर दिया गया है, तो वहीं सुबह के वक्त धुंध की वजह से फ्लाइट की लैंडिंग और टेक ऑफ की टाइमिंग को भी बढ़ा दिया गया है। नया शेड्यूल जारी होने के बाद दिल्ली के लिए विमानों की संख्या घटकर 17 रह जाएगी। आपको बताते चले कि दिल्ली के लिए आखिरी फ्लाइट स्पाइस जेट की ही होगी, जो कि रात 8:45 पर टेक ऑफ करेगी। इसी तरह मुंबई और बेंगलुरु के लिए 7-7 की जगह 6-6, कोलकाता और हैदराबाद के लिए 5-5 की जगह 4-4 और चेन्नई के लिए 3 की जगह 2 विमान होंगे। 9वें चरण की वोटिंग खत्म होने के बाद ही अब 2 चरणों का होगा इंतजार। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 9वें फेज की वोटिंग आज संपन्न हो गई है। इसी के साथ अब 10वें और 11वें यानी कि 2 और चरणों की वोटिंग का इंतजार शुरू हो गया है, जिसके बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न हो जाएगा। आपको बताते चले कि इस चरण में सूबे के 35 जिलों के 53 प्रखंडों में वोटिंग हुई है, जिसके लिए 12,341 बूथ बनाए गए थे। तो वहीं किसी भी तरह की हिंसात्मक घटना को देखते हुए पहले से ज्यादा सख्ती के साथ सुरक्षा व्यवस्था तैयार की गई थी। ठंड के कारण बूथों पर थोड़ी देर बाद से भीड़ जुटनी शुरू हुई। इस दौरान महिला वोटरों में भी खासा उत्साह देखने को मिला। बताया चले कि 9वें चरण में 26,831 पदों के लिए मतदान कराया गया, तो वहीं वोटों की गिनती अब 1 और 2 दिसंबर को कराई जाएगी। शिक्षक नियोजन प्रक्रिया को लेकर सरकार ने दिया बड़ा बयान। राज्य में 6ठे चरण के तहत 30,020 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली में देरी होने को लेकर एक तरफ जहां शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बहाली के लिए शेड्यूल को लेकर सरकार का बड़ा बयान आया है। राज्य के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि सरकार की मंशा शिक्षकों के सभी रिक्त पदों पर जल्द से जल्द नियुक्ति करने की है। शिक्षक बहाली में सरकार की ओर से कोई अवरोध नहीं है। उन्होंने कहा कि शिक्षक नियोजन प्रक्रिया पंचायत चुनाव के कारण टल रही है। पंचायत चुनाव की प्रक्रिया खत्म होते ही शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने का काम शुरू हो जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ शिक्षा विभाग के एक बड़े अधिकारी की माने तो माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 30,020 पदों पर शिक्षकों की बहाली के लिए जल्द ही संशोधित शेड्यूल जारी होगा। दूसरी तरफ विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे पर कहा है कि सरकार जानबूझकर बहाली को अटकाए हुए है। सूबे में 2 तरह की हवा बहने से दिखा मौसम में बदलाव। सूबे में इन दिनों 2 तरफा हवा बह रही है, जिसके प्रभाव से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना से मिली जानकारी के मुताबिक दक्षिणी बिहार में उत्तर पश्चिम हवाएं और उत्तरी बिहार में दक्षिण पूर्वी हवाएं चल रही है। इस 2 तरफा हवा के कारण ही तापमान पर प्रभाव पड़ रहा है। इसके कारण से अगले 2 दिनों तक प्रदेश का मौसम शुष्क बने रहने के साथ ही आर्द्रता में बढ़ोतरी होगी। तो वहीं दक्षिण बिहार के कुछ हिस्सों में मध्यम तो पूर्वी भागों में हल्के दर्जे का कोहरा छाए रहने के आसार है। न्यूनतम तापमान में थोड़ी गिरावट हो सकती है। इस दौरान उत्तर बिहार में न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, तो दक्षिण में 12 से 14 डिग्री रहने वाला है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर पटना एयरपोर्ट पर बढ़ेगी सख्ती। अभी कोरोना की दूसरी लहर का खतरा कुछ टला ही है कि अब नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने चिंता बढ़ा दी है। हालांकि यह नया वेरिएंट कई देशों में एक्टिव पाया गया है, लेकिन भारत के कई राज्य अभी से ही इसे लेकर सख्ती बरत रहे हैं। इसके तहत बिहार की राजधानी पटना में भी एयरपोर्ट पर अब फ्लाइट से आने वाले सभी यात्रियों की जांच की जा सकती है। साथ ही और भी ज्यादा सख्ती बढ़ाने को लेकर सरकार के द्वारा मंथन चल रहा है। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने भी विभाग को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत
विदेश से आए 281 लोगों की लिस्ट मिली है, जिसके आधार पर जांच कराई जा रही है। अब तक पटना में 10 लोगों की जांच हो चुकी है। सूबे के इन जिलों में घाटों की नीलामी प्रक्रिया हुई पूरी। बिहार में जल्द ही बालू की किल्लत से परेशान लोगों को राहत मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य के 8 जिलों में बालू घाटों की नीलामी की प्रक्रिया पूरी की जा रही है, जिसके तहत पटना, भोजपुर, सारण, औरंगाबाद, रोहतास, गया, जमुई और लखीसराय के दर्जनों बालू घाटों की नीलामी पूरी हो गई है। जल्द ही पर्यावरण स्वीकृति वाले शेष घाटों की भी नीलामी कर ली जाएगी। इसके तहत बीते दिन तक जमुई के लिपाटवा, बालथार, हंजरो, दिनारी व सिमरिया, पटना जिले के पांडेचक, औरंगाबाद के केशव, इमामबाड़ा, दाऊदनगर ए, दाऊदनगर बी, सारण के दफ्तुआर, रहरिया, तिवारी, महुआ, एलसीटी, दोमवा, कालू गंगाजल, नयागांव, राजपुर व सबलपुर, गया जिले के बिहटो, सारित, मठियापुर, तेनरी, सादिकपुर, कुकियासीन, पड़ेवा, केंदुई, भदेजा, भुसुंडा, रामसिला, तेलबीगा, दलेलचक व पवन, जबकि भोजपुर के बेहटा बालूघाट की नीलामी पूरी हो गई है। राशि जमा व इकरारनामा पूरा होते ही संवेदक बालू खनन कर सकेंगे। विदेश में नौकरी देने के नाम पर 2 दर्जन लोगों के रुपए लेकर भागी कंपनी। बिहार में रोजगार की कमी अब लोगों पर अन्य तरीके से भारी पड़ रही है। यहाँ के कई जिलों से लोग विदेश में जाकर काम करके अपना गुजर बसर करते हैं, और ऐसे में अब यह ट्रेंड ही हो गया है जिसका फायदा ठगी करने वाले लोग उठा रहे हैं। ऐसे ही मामले में बिल्कुल फिल्मी तरीके से लोगों से रुपए की ठगी करने की बात सामने आई है। यह घटना औरंगाबाद जिले की है, जहां लालबाबू मार्केट में गोल्डन एचआरसी नाम से खोली गई एक कंपनी ने लोगों से विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर पासपोर्ट और 25-25 हजार रुपए लेकर चंपत हो गई, जिसके बाद बीते दिन ठगी के शिकार करीब 2 दर्जन लोगों ने थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। इधर कंपनी का संचालक तालाबंदी करके फरार हो गया है, तो वहीं पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। राज्य सरकार ने क्रीमी लेयर रहित सर्टिफिकेट जारी करने में इस आदेश को बताया जरूरी। बिहार के पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र बनाने को लेकर सरकार ने अपना रुख स्पष्ट किया है। इसके तहत सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से सभी विभागों के प्रधान सचिव, अध्यक्ष, प्रमंडलीय आयुक्त, डीएम, बिहार लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, तकनीकी सेवा आयोग, बिहार विधानसभा और विधान परिषद को पत्र लिखकर कहा गया है कि जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र और क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में 2012 के आदेश का पालन करें। इसके तहत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए आवेदक के माता पिता के वेतन से आय एवं कृषि से आय को जोड़कर वार्षिक आय का निर्धारण नहीं करना है। पत्र में कहा गया है कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के कड़ाई से पालन किया जाना है। राज्य स्तर पर 50 बाल विज्ञानियों का हुआ साइंस कांग्रेस में चयन। बिहार में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, और खासकर अब साइंस और टेक्नोलॉजी के मामले में भी यहां छोटी सी उम्र के बच्चे कमाल कर रहे हैं। अब ऐसे ही 30 बाल विज्ञानी राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले बाल साइंस कांग्रेस में बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगे। दरअसल आपको बताते चले कि प्रदेश स्तर पर 17 से 20 नवंबर के बीच प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था, जिसका रिजल्ट घोषित हो गया है। अब इनमें से ही 30 बच्चों का चयन नेशनल लेवल पर होगा, जिसके लिए अगले महीने 17 दिसंबर से 19 दिसंबर के बीच एक प्रतियोगिता राजधानी पटना के तारामंडल सभागार में आयोजित होगी। इनमें से ही नेशनल लेवल पर बिहार को रिप्रेजेंट करने वाले बच्चों का सिलेक्शन होगा। तेजस्वी यादव ने डबल इंजन सरकार के एक इंजन को बताया फेल। बिहार में आज से विधानमंडल के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई। हालांकि आज की कार्यवाही ज्यादा लंबी नहीं चली, लेकिन जिस तरह से विपक्षी नेताओं की गतिविधियां चालू हैं, इसे लेकर ऐसा ही लग रहा है कि सदन में सत्ता पक्ष को कोई मुद्दों पर विपक्ष घेरने वाली है। इस बीच आज सदन के बाहर मीडिया के सामने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शराबबंदी पर सरकार को जमकर धोया। उन्होंने कहा कि सरकार शराबबंदी के नाम पर आम लोगों को परेशान कर रही है। वहीं इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने डबल इंजन सरकार पर भी तंज कसते हुए कहा कि बिहार की डबल इंजन सरकार में एक इंजन खराब है। राज्य में शराब खुले आम बेची और सेवन की जा रही है, तो वहीं शराब पर रोक के नाम पर पुलिस महिलाओं के सम्मान का भी ख्याल नहीं कर रही है। शीतकालीन सत्र को लेकर बिहार एनडीए ने की बैठक। बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र को लेकर आज एनडीए की बैठक दोपहर में सदन की कार्यवाही खत्म होने के बाद शुरू हुई। विधानसभा के सेंट्रल हॉल में हुए इस बैठक की अध्यक्षता एनडीए विधानमंडल दल के नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। इस बाबत शीतकालीन सत्र के दौरान सत्ता पक्ष को मजबूत रहने, विपक्ष के सवालों का पुरजोर तरीके से जवाब देने और वित्तीय कार्य आसानी के साथ सदन में पूरे कराए जाने आदि तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। आपको बताते चले कि बैठक में दोनों डिप्टी सीएम के अलावे इसके हम अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, वीआईपी पार्टी के नेता और मंत्री मुकेश सहनी भी बैठक में शामिल रहे। साथ ही राज्य कैबिनेट के तमाम सदस्य बैठक के दौरान मौजूद रहे। सुशील मोदी ने नीति आयोग की रिपोर्ट पर उठाए सवाल। बीते दिनों नीति आयोग के द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट में बिहार कई पैमानों पर देश में सबसे ज्यादा गरीब राज्य साबित हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है, जहां 52% लोग गरीब है। इस रिपोर्ट की वजह से यहां लंबे समय से शासन में रही एनडीए सरकार पर कई तरह
तरह के सवाल उठ रहे हैं। इस बीच भाजपा सांसद और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने नीति आयोग की रिपोर्ट पर ही सवाल उठा दिए हैं और रैंकिंग नापने के फॉर्मूले को बदलने की नसीहत दे दी है। उन्होंने कहा कि नीति आयोग यदि इस आधार पर कोई रैंकिंग रिपोर्ट जारी करे कि सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था और प्रति व्यक्ति आय जैसे मानकों पर किसी राज्य ने 10 साल में कितनी प्रगति की है तो इसमें बिहार सबसे आगे होगा। सुशील मोदी के अनुसार ये रिपोर्ट 6 साल पुराने आंकड़ों पर आधारित है। केबीसी के 1000 एपिसोड पूरा होने पर भावुक हुए अमिताभ बच्चन। टीवी इंडस्ट्री के सबसे प्रचलित शो कौन बनेगा करोड़पति, जिसे बच्चे से लेकर बूढ़े भी पसंद करते हैं, के 1000 एपिसोड पूरे हो चुके हैं। यह शो ऑडियंस को 21 साल से एंटरटेन करता आ रहा है, तो वहीं इस मौके पर रिकॉर्डेड शो में इसके होस्ट अमिताभ बच्चन भावुक होते दिखे। शो के 1000 एपिसोड पूरे होने पर अमिताभ की बेटी श्वेता बच्चन और नाती नव्या नवेली नंदा शो में स्पेशल गेस्ट के रूप में पहुंची। हाल ही में शो का एक प्रोमो वीडियो रिलीज किया गया, जिसमें श्वेता बिग बी से कहती हैं कि पापा, मैं पूछना चाहती हूं कि यह 1000वां एपिसोड है तो आपको कैसा लग रहा है। इस पर अमिताभ बच्चन कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरी दुनिया बदल गई हो। इस प्रोमो वीडियो को सोनी टीवी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी शेयर किया है। महान स्पिनर शेन वार्न का हुआ सड़क हादसा। क्रिकेट की दुनिया के दिग्गज खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के महान स्पिनर शेन वार्न से जुड़ी एक बुरी खबर सामने आई। शेन वार्न के रोड एक्सीडेंट के शिकार हुए हैं, जिसके बाद उनका इलाज किया जा रहा है। शेन वार्न अपने बेटे के साथ बाइक राइडिंग कर रहे थे, इस दौरान उनकी बाइक फिसल गई और वो 15 मीटर तक घिसकते हुए आगे निकल गए। इस दौरान उन्हें काफी चोटें आई, लेकिन राहत की बात यह है कि चोट इतनी गंभीर नहीं है और वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के अखबार सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड की खबर के मुताबिक शेन वार्न को तो चोटें आई हैं, लेकिन उनके बेटे के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो वही शेन वार्न ने ये उम्मीद जताई है कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच शुरू हो रहे एसेस टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट से पहले वो ठीक हो जाएंगे और कमेंट्री करते नजर आएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रोन को लेकर बिहार सरकार को पहले से ही किस तरह से तैयार रहना चाहिए। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।